दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। तो ये जो है नॉन रिन्यूअल ऑफ एक्सपायर्ड ई वे बिल का केस था, किस तरीके से इस केस के अंदर जो पेनल्टी है उसे रिड्यूस किया गया, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे जो है एलिगेशन क्या लगे थे, the allegations which led to an order of penalty being passed by respondent authority is that jo goods transport kiye gaye by the appellants to assam was covered by e-way bill। to jo goods the wo proper unka e-way bill bana hua tha, वैलिड ईवे बिल था उनके पास जो कि वैलिड था 18 मार्च 2022 तक। अकॉर्डिंग टू द अपीलेंट ऑन अकाउंट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द व्हीकल ऑफ गुड्स डिड नॉट मूव आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड वॉज स्टेशन्ड एट डनकुनी ऑन 18 मार्च 2022। तो जो है ब्रेक डाउन हो गया कुछ व्हीकल का, जिस वजह से जो गुड्स हैं वो आउटसाइड टेरिटरी नहीं जा सके और उन्हें जो है स्टेशन किया गया दनकुनी पर ही ऑन 18 मार्च। एंड द कंसाइनी इन द मीन टाइम, ठीक है, तो ये जो बीच का समय था इसमें जो कंसाइनी है उसने गुड्स को सोल्ड कर दिया विच वर इन ट्रांजिट टू अनदर परचेजर इन असम। तो ठीक है, मीनवाइल ही उन गुड्स को किसी दूसरे परचेजर को सेल कर दिया गया। एंड द गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय द सेम व्हीकल में ही उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया आफ्टर जनरेटिंग अ न्यू ई वे बिल। तो एक नया ई वे बिल जनरेट किया गया 22 मार्च को एंड द व्हीकल वॉज डिटेन्ड ऑन 25 मार्च को, उस व्हीकल को डिटेन कर लिया गया। एंड द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी ऑर्डर पास किया गया किस बेसिस पर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फर्स्ट ई वे बिल, जो पुराना ई वे बिल था 18 मार्च का उसे रिन्यू नहीं कराया गया या एक्सटेंड नहीं कराया गया अपीनियंस के द्वारा। अकॉर्डिंगली चार्ज लगाया गया अंडर सेक्शन 129 ऑफ CGST एक्ट एंड वेस्ट बंगाल GST एक्ट अगेंस्ट द अपीलियंट एंड अल्टीमेटली पेनल्टी लगाई गई 200% की। इट इज़ नॉट इन डिस्प्यूट ऑन द डेट एंड टाइम एंड द गुड्स वर इंटरसेप्टेड, दैट इज़ ऑन 25 मार्च, द अपीलियंट हैज़ अ वैलिड ई वे बिल था उसके पास। अब यहाँ पे क्या इशू था, मिस्टेक क्या हुई, द ओनली मिस्टेक कमिटेड बाय द अपीलियंट इज़ ऑन नॉट रिन्यूइंग द ई वे बिल जो कि उसका ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था 18 मार्च को। दिस इन अवर ओपिनियन दैट द अपीलियंट शुड हैव डन सिंस द गुड्स वर सोल्ड इन ट्रांजिट, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांजिट ही उन गुड्स को जो है नदर परचेजर को सील कर दिया गया। वी आर आउट ऑफ द व्यू दैट देयर इज़ अ वॉयलेशन हैज़ कमिटेड बाय द अपीलेंट के द्वारा किया गया है, बट द वॉयलेशन इज़ नॉट एज ग्रेव इनफ टू कॉल फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी एट द रेट ऑफ 200%। तो वॉयलेशन तो हुआ है लेकिन इस तरह का नहीं है कि आप 200% की पेनल्टी जो है यहाँ पर लगा दें। सिंस ऑन द डेट व्हेन द व्हीकल वाज इंटरसेप्टेड द गुड्स पर जो है उनके पास वैलिड ई वे बिल था जो कि सेटिस्फाई करता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 129। हाउएवर जो मिस्टेक हुई थी अपीलेंट के द्वारा कि इन नॉट रिन्यूइंग द अर्लियर ई वे बिल, उन्होंने रिन्यू नहीं किया जो कि 18 मार्च को ही एक्सपायर हो गया था, अपीलेंट शुड बी पुट ऑन टर्म्स। फॉर द अबव रीजन द अपील एज वेल एज रिट पिटीशन अलाउ की गई और जो पेनल्टी ऑर्डर पास किया गया था अथॉरिटीज़ के द्वारा एज अफर्म्ड बाय द अपीलेंट अथॉरिटी आर सेट असाइड एंड उसे मोडिफाई किया गया विद द डायरेक्शन टू अपीलेंट टू पे पेनल्टी ऑफ 50,000 की उसे पेनल्टी लगाई गई जिसमें कि CGST एंड वेस्ट बंगाल GST दोनों ही इंक्लूड थे, इंस्टेड ऑफ जो कि पहले 200% की पेनल्टी इम्पोज की गई थी। तो 200 पेनल्टी से ये पेनल्टी हो गई 50,000 एंड अपॉन सच अपीलेंट्स आर एंटाइटल्ड टू पे द सेट अमाउंट बाय एग्रीइंग टू रिकवर द सम ऑफ 50,000 फ्रॉम द बैंक गारंटी व्हिच हैज़ बीन फर्निश्ड बाय द अपीलेंट एंड अपॉन एडजस्टमेंट रिस्पोंडेंट अथॉरिटी जो है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन इशू करेगी अपीलेंट बैंक को टू डिस्चार्ज द बैंक गारंटी फॉर रिमेनिंग अमाउंट। तो इस तरह के आमतौर पर जो केसेस हैं वो आप लोग फेस कर
हो सकता है कर रहे हों या आपके क्लाइंट्स फेस कर रहे हों, तो उन केसेस में ये जजमेंट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होती हैं। तो जो है ये काफ़ी अच्छा केस था, और इस तरह के केसेस को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक जो है ये इम्पोर्टेंट जजमेंट्स पहुँचें।